रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप दो बार जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश वनडे वर्ल्ड कप जीतने की है, जिससे वो पहले 2011 में चूक गए थे क्योंकि तब उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी, और फिर 2023 में उनकी कप्तानी में टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। रोहित शर्मा को जिन उम्मीदों के साथ टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था वो आखिरकार पूरी हो ही गई। रोहित ने 11 साल से चले आ रहे ICC खिताब के सूखे को खत्म कर दिया। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वो ये टूर्नामेंट दो बार जीतने वाले टीम इंडिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए। खिताब जीतने के तुरंत बाद रोहित ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद से ही लगातार उनके इंटरनेशनल करियर को लेकर बातें हो रही हैं और दावे किए जा रहे हैं। वैसे रोहित खुद 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। रोहित के करीबी और टीम इंडिया के पूर्व स्टार स्पिनर हरभजन सिंह ने इस मामले में एक खास बात की है। 37 साल की उम्र में भी बेहतरीन और विस्फोटक बैटिंग कर रहे रोहित शर्मा ने यही अंदाज T20 वर्ल्ड कप में दिखाया और टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद अब रोहित का पूरा फोकस वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर है, जिसमें फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब हासिल करना उनका लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ ही उनका एक बड़ा लक्ष्य और ख्वाहिश है, वनडे वर्ल्ड कप जीतना, जिसे वो आज तक महरूम है। अब अगला वर्ल्ड कप 2027 में होना है और तब तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में रोहित को जगह नहीं मिली थी और कई बार वो इसका मलाल जता चुके हैं। फिर पिछले साल उनकी कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई थी, जिससे रोहित समेत करोड़ों भारतीय फैंस के दिल टूट गए थे। रोहित ने इसके बाद भी कहा था कि वो अभी भी 2027 वर्ल्ड कप के इंतजार में हैं, लेकिन क्या वो तब तक खेल पाएंगे? हरभजन ने PTI के साथ इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा कम से कम 2 साल तक खेल सकते हैं, जबकि विराट कोहली की फिटनेस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो अगले 5 साल तक आराम से खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों खिलाड़ी फिट हैं, रन बना रहे हैं, खेलना चाहते हैं और टीम के लिए योगदान दे रहे हैं तो ज़रूर खेलना चाहिए। हरभजन का मानना है कि आने वाले वक्त में भी टीम इंडिया को इन दोनों सितारों की ज़रूरत पड़ेगी, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। टीम इंडिया के लिए 400 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर हरभजन के मुताबिक फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, हर टीम को अनुभवी खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और ख़ासतौर पर युवा खिलाड़ियों को संवारने में ये बेहद अहम होता है। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं को ये देखना होगा कि अगर कोई फिट है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे चुना जाना चाहिए, और अगर कोई इन दोनों मोर्चों पर नाकाम होता है तो फिर उसे ड्रॉप करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहते हैं या नहीं।